नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए मिशन शक्ति के तहत थानों में हेल्प डेस्क बना दी गई। बुधवार को बेलीपार थाने में महिला पुलिसकर्मियों ने ही महिलाओं की फरियाद सुनी। आपको बता दें, शासन की ओर से हर थाने में आगंतुक कक्ष और महिला हेल्प डेस्क शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए हर थाने में कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन व कैमरे से युक्त रिसेप्शन बनाने पर जोर दिया गया है। यहाँ शिकायतकर्ता को लिखने के लिए स्टेशनरी कागज की व्यवस्था होगी। हर वक्त दो महिला सिपाही यहां तैनात किए जाने के लिए कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों में हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं बेझिझक शिकायत करें, कार्रवाई होगी। महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए मंचले और शोहदों पर नकेल कसेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, इस समय सरकार की गवर्नमेंट की जो एक प्रायोरिटीज है कि मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। ये 6 मई का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण जो है 17 तारीख से 25 तारीख तक अक्टूबर में है। इसी के तहत एक महिला हेल्प डेस्क अब प्रत्येक थानों पर बनाने का वो है, जो सभी थानों पे बनाया गया है। और इसमें एक अनवरत 24 घंटे में 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट की ड्यूटी लगेगी, दो दो महिला कांस्टेबल की। और जो भी पीड़ित महिला आएगी उसके संबंध में उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, अगर उसे FIR लिखवाना है तो FIR लिखी जाएगी और तदनुसार आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार आगामी कई त्यौहार हैं, इनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? इन त्यौहारों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए सबको बताया गया है। और आपको मालूम है, जनपद में जो शेरनी दस्ता है, दो दो स्कूटी देहात के थानों में सभी जगह हैं, जहां 4 महिला कांस्टेबल उस पर रहती हैं। और वो सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक, या और भी समय अगर ज़रूरत है तो काम करती हैं।